लोकी सीजन 2 एपिसोड 3 स्टार्ट होता है रवोना रेनस्लेयर के साथ एग्जैक्टली उस मोमेंट से जहां फर्स्ट सीजन में वो टाइम गेट का यूज करके वहां से निकल गई थी मिस मिनट्स के डायरेक्शन पे और यहां हम उसे देखते हैं 1868 के शिकागो में। अब नोटिस करना कि क्लियरली यहां मेंशनड है कि ये सैक्रेड टाइमलाइन है एंड अब यहाँ एक नेक्सस इवेंट होने वाला है जिससे कि एक नया ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होगा। मिस मिनट्स यहाँ रिवील करती है कि ही हू रिमेंस का ही प्लान था कि उसके मरने के बाद टीवीए का जो हैंडबुक है जो कि ओरोब्रस ने लिखा है उसे उसके एक अर्ली वेरिएंट तक पहुंचा दिया जाए। अब यहीं से ये भी क्लियर हो जाता है कि ओरोब्रस यानी कि ओबी का कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है जो कि मैं फर्स्ट एपिसोड से बोल रहा हूँ और यही एक गाइड बुक एक मेजर रीजन है कि उसका मेमोरी कभी वाइप नहीं किया गया। अगर उसका मेमोरी वाइप हो जाता तो टीवीए के जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं जो भी वहां यूज किया जाता है उसका नॉलेज किसी के पास होता ही नहीं। और यहाँ से ये भी थॉट आता है कि क्या ओबी ही ओरिजिनल क्रिएटर है इन सारे टेक का और कैंग के वेरिएंट्स बस ओबी का यूज कर रहे हैं उसके गाइड बुक के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिटरली ऐसा ही होते दिखाया गया है। मुझे तो अब फील होने लगा है कि भाई ओबी जो है वो वन ऑफ द कैंग का वेरिएंट ही होगा, क्योंकि एपिसोड 1 से ही क्लियरली एस्टैब्लिश कर दिया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड वन ऑफ द ओनली कैरेक्टर है जिसकी मेमोरी वाइप नहीं की गई। खैर यहीं पे जो बुक है रवोना ने कैंग के एक दूसरे वेरिएंट विक्टर टाइमली को दे दिया और वहां से एक ब्रांच टाइमलाइन की शुरुआत हुई, क्योंकि आगे जब रवोना को ट्रैक करते हुए मोबियस एंड लोकी यहां आते हैं पहले 1868 में देन 1893 में, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 1893 का जो टाइमलाइन है उसे ब्रांच टाइमलाइन मेंशन किया गया है और इसी टाइमलाइन में हमारा विक्टर टाइमली एग्जिस्ट करता है। वैसे हाँ यहां जहां पर दोनों खड़े हैं ये विक्टर टाइमली का ही घर है एंड इसी विंडो में रवोना ने टीवीए का हैंडबुक ड्रॉप किया था। इसके बाद 1893 में आते ही मोबियस शिकागो फेयर को मेंशन करता है, इवन मैंने ट्रेलर के ब्रेकडाउन में भी इसके बारे में बताया था। इसे आप एक मेले के जैसा मान सकते हो जो कि शिकागो के मिडवे प्लेजेंस में हुआ था और 1888 में इस मेले की शुरुआत हुई थी एंड 1893 में जाकर इसे बंद किया गया था। एक तरह से ये वर्ल्ड फेयर था जहां हर कंट्री को रिप्रेजेंट किया गया था और यही वर्ल्ड का सबसे पहला फेरीज व्हील भी लगाया गया था जिसे हम लोग जायंट व्हील बोलते हैं एंड ऐसे मेले में उस टाइम पे कई सारे इन्वेंटर्स अपने इन्वेंशंस दिखाया करते थे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। टेस्ला, एडिसन ऐसे कई मेले में पार्ट ले चुके थे और एमसीयू में ऐसा हॉवर्ड स्टार्क को करते हमने कैप्टन अमेरिका के फर्स्ट मूवी में देखा ही था। यहीं पर मोबियस इवन एचएच होम्स का भी नाम मेंशन करता है जो कि 1893 में एक फेमस सीरियल किलर था और इसे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अमेरिका का फर्स्ट सीरियल किलर माना जाता है। आगे न्यूज़पेपर सीन को मिस मिनट्स का पता चलता है और भी यहाँ कुछ न्यूज रहते हैं जिससे एक और इंटरेस्टिंग डिटेल निकल कर आता है। यहीं पर वर्ल्ड्स फेयर होटल को भी मेंशन किया गया है जो कि एक रियल लाइफ लोकेशन है जहाँ एचएच होम्स होटल में रूम देने के नाम पर टूरिस्ट को बुलाता था, अट्रैक्ट करता था और उनका मर्डर करता था। तो हाँ ऐसा ईस्टर एग देखना काफी इंटरेस्टिंग था। यही मेले में ही नॉर्स मिथोलॉजी के थीम्ड लोकेशन पे हम थॉर, ओडिन एंड बाल्डर द ब्रेव के स्टैचूज को देखते हैं। अब यहाँ लोकी की जगह बाल्डर द ब्रेव को दिखाया गया है एंड मार्वल कॉमिक्स में एंड इवन नॉर्स मिथोलॉजी में ये भी थॉर का भाई था। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये कैरेक्टर हमें एमसीयू में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिखने वाला था जिसका रोल डैनियल क्रेग कर रहे थे। इसका इवन कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिवील हुआ था, मैंने नडी न्यूज में कई बार बताया भी है, बट अल्टीमेटली ये रोल कट कर दिया गया। यही दोनों मेले में होने वाले कुछ शोज का लिस्ट देखते हैं जहां क्लियरली विक्टर टाइमली का मेंशन किया गया है, बट उनके साथ यहाँ कार्ल बोम का नाम भी मेंशन किया गया है जो कि एक रियल लाइफ म्यूजिशियन थे एंड ऊपर से यहाँ पर एक फ्रेडियन लैंग के बारे में भी मेंशन किया गया है और लैंग सरनेम से मुझे तो बस एक ही नाम याद आया, स्कॉट लैंग, मतलब कि अपना एंटमैन। खैर ये लोग देन विक्टर टाइमली के इन्वेंशन को देखने जाते हैं और वहां हमें टेम्पोरल लूम का एक अर्ली प्रोटोटाइप देखने को मिलता है। वैसे यही एग्जैक्ट मोमेंट हमें क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखाया गया था। इसके बाद तो सब लोग उसके इस मशीन की बोली लगाने लगते हैं और यहीं पे एक बंदे का नाम मेंशन किया गया है, रॉबर्ट बैरन, और इसके दो सिग्निफिकेंस हैं। पहले तो मार्वल कॉमिक्स में सेम नेम से एक कैरेक्टर अपीयर हो चुका है जिसने कि अपना ही बैंक लूटने का प्लान बनाया था और दूसरा ये कि 1800s में रॉबर्ट बैरन एक टर्म था जो कि वैसे बिजनेसमैन को दिया जाता था जो कि इलीगली अपना पैसा बनाते थे। आगे सब विक्टर टाइमली के पीछे पड़ जाते हैं जहां एक और इंटरेस्टिंग ईस्टर एग हमें मिलता है जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि वो एक इजिप्शियन थीम्ड लोकेशन पर जाकर छुप जाता है। अब ये इजिप्शियन थीम लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉमिक्स में कैंग का इजिप्ट से बहुत ही पुराना कनेक्शन है। वहां जब उसे टाइम ट्रेवल के बारे में पता चला था तो वो पास्ट में जाकर एंशियंट इजिप्ट में बस गया था और रामेटुट नाम का एक फैरो बनके वहां रूल करने लगा था।
इवन कैंग के इसी वेरिएंट का ईस्टर एग हमें मून नाइट की सीरीज में भी मिल चुका है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। और सीजन 2 के लगभग हर एपिसोड में मून नाइट का रेफरेंस हमें अभी तक मिला ही है। इफ आप मेरा ब्रेकडाउन फॉलो कर रहे होगे तो ये बात आपने नोटिस की ही होगी। इसी लोकेशन पे दिन सिल्वी भी पहुंच जाती है और फिर से वो इस वेरिएंट को मारने का ट्राई करती है। और यहाँ पर सिल्वी का ये हरकत मुझे थोड़ा इरिटेटिंग फील होने लगा, क्योंकि लिटरली ये कैरेक्टर अपने आगे किसी दूसरे का लॉजिक सुन ही नहीं रही है, बस जो मन कर रहा है वही कर रही है। बट समहाउ वहाँ से विक्टर टाइमली भाग कर निकल जाता है और अपने रूम पर पहुँचता है रेंसलेयर के साथ। अब यहाँ पर कुछ ऐसा हिडन डिटेल तो नहीं था, लेकिन हाँ उसका जो ये पूरा रूम है वो चाइनीज थीम में था। देन रॉबर्ट बैरन के यहाँ आ जाने से वो दोनों इधर से भी भाग जाते हैं और यहाँ से वो एक शिप लेकर वो लोग अपने लैब की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग डिटेल मैंने नोटिस किया, अगर आप नोटिस करोगे तो बोट का नाम है SS हेरॉन। अब SS बोट्स में शिप में जनरली यूज होता है सी शिप के लिए, एंड हेरॉन मेरे अकॉर्डिंग लोकी सीजन 1 की डायरेक्टर केट हेरॉन का रेफरेंस हो सकता है। यहीं इसी शिप में विक्टर टाइमली को सारी बातें पता चलती है। विक्टर टाइमली को पता चलता है कि कैसे रवोना ने ही TVA का हैंडबुक उस तक पहुंचाया था, एंड ये सब ही हू रिमेंस का प्लान था। यहाँ फिर से ओबी को भी मेंशन किया जाता है, जो कि TVA हैंडबुक का राइटर है, विच अगेन कंफर्म्स कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लेकिन जैसे ही वो पार्टनरशिप का हिंट देती है, टाइमली उसे छोड़ देता है। ऐसे इससे पहले भी अपनी मशीन बेचने के टाइम उसने हिंट दे दिया था कि वो पार्टनरशिप के अगेंस्ट है। मैं पार्टनरशिप नहीं करता, एक्सक्यूज मी। और एक तरह से ये कैंग के सभी वेरिएंट्स का कैरेक्टरिस्टिक ही है, क्योंकि अगर ये लोग पार्टनरशिप करने लगते तो भाई कभी मल्टीवर्सल वॉर होती ही नहीं। आगे विक्टर टाइमली और मिस मिनट्स दोनों ही उसके लैब पहुंचते हैं और वहां एक डिवाइस पे फोकस किया जाता है। मेरे अकॉर्डिंग ये वही डिवाइस का अर्ली वर्जन होगा जो कि हमने क्वांटमेनिया में देखा था, और इसी के हेल्प से कैंग टाइम ट्रेवल कर पाएगा। फिर मिस मिनट्स अपने बारे में उसको बताने लगती है कि कैसे उसने उसे क्रिएट किया था, एंड बेसिकली उस पे लाइन मारने लगती है, जिस पर विक्टर टाइमली उसे बोलता है नॉटी ओरा के हैं, नॉटी ओरा, और मिस मिनट्स को बंद कर देता है। देन रवोना एक डिवाइस के साथ पहुंचती है और क्लियरली ये TVA का प्रूनिंग स्टिक का एक अर्ली वर्जन है। फिर थोड़ी देर में लोकी, मोबियस, देन सिल्वी भी यहाँ पहुंच जाते हैं। सिल्वी इस बार समझ जाती है कि इसके वेरिएंट को मारने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसने तो कुछ किया ही नहीं है। देन उसे लेकर मोबियस एंड लोकी तीनों TVA वापस चले जाते हैं और रेवोना को सिल्वी ही हू रिमेंस के चैम्बर में पहुंचा देती है, जहां लिटरली अभी तक उसकी बॉडी सड़ रही है। पर हाँ, यहीं पर एक मेजर क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड एंड होता है, जहां मिस मिनट्स को रेवोना के पास से रिलेटेड कुछ सीक्रेट पता है। अब थ्योरी पे आए तो लोग कह रहे हैं कि रेवोना रेंसलेयर कैंग की ही वन ऑफ द वेरिएंट होगी, जो कि उसे भी नहीं पता है। बट लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है इस कैरेक्टर के साथ। तो यार, ये था लोकी सीजन 2 एपिसोड 3 के सारे रेफरेंसेस, हिडन डिटेल्स और पूरे प्लॉट का ब्रेकडाउन। होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा और सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, एंड ऑब्वियसली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाना। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।